हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 12 सीरोंस फॉर्मूला का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 51 हमें दे रखा है, अ पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप एज अ गिवन इन द फिगर। एक खेत है जिसकी शेप हमें इस तरीके से कुछ गिवन है, हैज़ बीन कट अलॉन्ग अ डायगनल एसी, जिसको इसी डायगनल के थ्रू दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला ट्रायंगल एडीसी, दूसरा ट्रायंगल एबीसी। पीस ऑफ लैंड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द राम एंड सोहन, यानी कि ये जो पार्ट है ये राम को दिया गया, ये पार्ट हमें सोहन को दिया गया है। हु विल गेट लार्जर पीस ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ एरिया, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो किसको ज़्यादा हिस्सा मिला, राम को मिला है या सोहन को मिला है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो वन बाय वन करके दोनों का एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि राम को सबसे पहले कितना पार्ट मिला। तो हमारा जो ये ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी गिवन है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें इसमें डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक बेस और एक हाइट, जो 90 डिग्री पे दोनों में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये मेरा 35, ये हमारा 12 मीटर है। तो अगर आप इसे बेस मानोगे तो ये हमारी हाइट होगी, अगर इसे बेस मानोगे तो ये हाइट होगी। याद रखना, जो 90 डिग्री पे दोनों कनेक्टेड होते हैं, 90 डिग्री पे ये भी साइड कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, तो इन दोनों में आप किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो, बट होंगे दोनों बेस और हाइट यही दोनों, ठीक है। इसका हम एरिया बड़ा इजीली फाइंड कर लेंगे, ये किसका एरिया है, राम का। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें ए बी गिवन है 12 मीटर, बी सी गिवन है 35 मीटर। लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कि राम का है खेत, ठीक है, राम का निकाल रहे हैं फिलहाल। तो अगर राइट एंगल हो तो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे बेस इनटू हाई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेस अगर इसे मानेंगे तो हमारी हाइट कौन बन जाएगी, 12 मीटर, दोनों आखिरी में होने तो मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का डिवाइड कितना है, 6, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 210 मीटर स्क्वेयर, ये तो आ गया राम का एरिया। अब बात की जाए सोहन की, अब देखो सोहन के अंदर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो ये फॉर्मूला तो लग नहीं सर लगेगा, हीरोन फॉर्मूला अगर ये नहीं लग रहा है तुम्हारा। अब हमारे पास एक साइड गिवन ए डी, दूसरी सी डी 15, तीसरी साइड हमारी ए सी यहाँ पे मिसिंग है, ए सी हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जा सकता है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे पाइथागोरस कहता है 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कौन हो जाएगा, ए बी, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता, बाकी किसी और ट्रायंगल में अप्लाई नहीं होता। ए सी एज इट इज रहने दो, बी सी कितना है 35, ए बी 12 दे रखा है, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, 1225 आ गया, 12 को 12 से किया 144, दोनों को प्लस कर लेंगे 1369। ए सी पे से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे क्या चला जाएगा, अंडर रूट। अब इसके करेंगे हम फैक्टर 1369, ठीक है। अभी इस नंबर में देखो, इसके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें 37 का ही डिवाइड जाएगा, 37 का डिवाइड दे कितना है 37, 37 में 37 का डिवाइड दे कितना है 1, 37 ये क्या है, प्राइम नंबर है। आप चाहो तो इसको डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन मेथड से बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जैसे मैं उसका एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि वीडियो होगी हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, ठीक है। आप उसको देख के समझ सकते हो कि उसको हम डिवीजन मेथड से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फैक्टराइज मेथड है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 37 into 37, इन दोनों पेयर में से हमारा कॉमन कौन आ जाएगा 37, क्योंकि अंडर रूट में दो के पेयर में से एक नंबर कॉमन निकलता है, ठीक है। तो ये मेरा आगे 37 मीटर, एसी निकल के आगे हमारी साइड। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, यानी जो सोहन का खेत है, ठीक। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एडीसी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 15 मीटर, ये 28 मीटर, और अभी अभी इन्होंने निकाला है कितना 37 मीटर। तो हम इसको मान लेते हैं जो सोहन का खेत है, ए जो साइड है उसे मैंने मान लिया 28 मीटर, बी को मान लिया 15 मीटर, सी को मान लिया 37 मीटर। मानने के बाद हीरोन फॉर्मूले के लिए जो प्रति सेमी पैरामीटर, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, 28 प्लस 15 प्लस 37 डिवाइड बाय 2, सभी को ऐड किया तो यह 80 डिवाइड बाय 2, यह हमारा 40, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी फॉर्मूला होता है हीरोन का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
एस की जगह 40 दे रखा है, 40 माइनस में 28, 40 माइनस में 15, 40 माइनस में 37, 40 में से माइनस करेंगे 28 को तो ये आएगा 12, 40 में से माइनस करेंगे 15 को तो ये मेरा आ जाएगा 25, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इनके फैक्टर कर लो, 40 के फैक्टर हम साइड में कर लेते हैं, 2 का डिवाइड दे 20, 10, 5, 1, तो यह आया 2 इंटू 5, 12 के फैक्टर होते 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो जरा 2 2 4 4 3 12, 25 के होते 5 इंटू 5, 3 का 3 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देख बनाओ पेयर, किस किस का पेयर बन रहा है, सेम नंबर का पेयर बनेगा, 5 और 5 का बना, 2 और 2 का बना, ठीक, बच गया कौन 2, 5 और 3, ये नंबर बच गए मेरे तीनों के तीनों 3 का यहाँ पेयर बन रहा है, 3 और 3 इनका पेयर बन गया, तो सिर्फ 2 और 5 ये दोनों नंबर ही हमारे बचे हैं अंडर रूट में, जिसका पेयर बन जाए तो वो नंबर आ जाएगा बाहर। इन दोनों का पेयर बना 2 बाहर, इन दोनों का बना 3 और 3 का 3 बाहर, 5 बाहर, इन दोनों का नहीं बन पाया, 5 2 10, तो ये रहेंगे अंडर रूट के अंदर ही, 3 2 6, 6 3 18, 18 5 90, और हमें अंडर रूट 10 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 3.15, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3.15, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 2 4 4 2 2 4 4 3 12 12 5 60, सॉरी मल्टीप्लाई मिस्टेक होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 189 मीटर स्क्वायर। अब देखो सोहन का तो जो खेत का एरिया आ रहा है वो आ रहा 189, और राम का एरिया निकलेगा कितना आ रहा है 210, तो यानी कि एरिया किसका ज़्यादा होगा, राम का ज़्यादा होगा, तो यहाँ लिखेंगे राम विल गेट लार्जर पीस ऑफ लैंड, ठीक, इन टर्म ऑफ एरिया। अब इसको कितना ज़्यादा मिला अगर ये भी क्वेश्चन में पूछ ले, तो 210 में से माइनस कर दो 189 को, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 21 मीटर स्क्वायर एरिया इसको ज़्यादा मिलेगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।